दिसंबर में हुए थे राज्यों के चुनाव और तीनों राज्यों में, तीनों बड़े हिंदी हिंटरलैंड के राज्यों में चुनाव जीती थी कांग्रेस। तीनों जगहों से निकाला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये तीन राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हम बात करते हैं पहले राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीटें। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं वो 25 की 25 बीजेपी कैसे जीत सकती है, जबकि दिसंबर में ही, जिसको अभी 6 महीने ही हुए हैं। इन 6 महीनों में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि राजस्थान के वोटर ने पूरी तरह कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी की तरफ अपना सारा मत केंद्रित कर लिया? दिसंबर में जब चुनाव जीती थी कांग्रेस तो एक बड़ा सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दो नाम थे, अशोक गहलोत, भारतीय राजनीति और खास तौर पर राजस्थानी राजनीति के भीष्म पितामह, वो आदमी जिसे राजनीतिक जादूगर माना जाता है, वो आदमी जिसने कांग्रेस को राजस्थान में पिछले 2 दशकों से लीड किया है, या फिर सचिन पायलट, एक कैरिज्मेटिक यंग लीडर, स्मार्ट दिखता हुआ, स्ट्यूट दिखता हुआ एक यंग लीडर, जिसकी छवि अपने पिता की वजह से एक बहुत बड़े गुर्जर नेता के रूप में जिस दिन राजनीतिक करियर शुरू किया था उसी दिन बन गई थी। इन दोनों के बीच में एक और फर्क था। फर्क यह था कि अशोक गहलोत को पसंद करती थी सोनिया गांधी और सचिन पायलट को पसंद करते हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी चुने गए अशोक गहलोत। इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत विरोध हुआ। ये अंतर कलह की आवाज़ कार्यालय के बाहर भी सुनाई देती थी, सड़क पर भी लोग बात करते थे, बेचारे सचिन जी के साथ ठीक नहीं हुआ, वोट तो उनके नाम पे लिया था। खैर, एक नारा पिछली चुनावों में यानी दिसंबर के चुनावों में बार बार राजस्थान की सड़कों पे गूंजा, वो नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो मोदी से बैर राजस्थान के वोटर को कभी था भी नहीं। मोदी को पिछली बार भी 25 में से 25 सीटें देकर राजस्थान ने गद्दी पर बिठाया था और इस बार भी शायद वही हो, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटा इनकम्बेंसी सेंटिमेंट बना हुआ था इस स्टेट में। और इस सब को जब आप मिलाते हैं गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच की लड़ाई के साथ और किस तरह टिकट बंटवारे में दोनों ने एक दूसरे की कन्नी काटने का मन बनाया, तब आपके समझ में आता है कि किस तरह राजस्थान में 25-0 कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये एक बहुत बड़ा मैंडेट होगा और इसके बाद कई सवाल उठेंगे अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बने रहने पर, कई सवाल उठेंगे सचिन पायलट के रोल के ऊपर कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के खिलाफ, कई सवाल उठेंगे वैभव गहलोत को टिकट देने पर। वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे, सामने थे गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और उम्मीद यही है कि वैभव गहलोत चुनाव हार जाएंगे। राजस्थान के चुनाव आने वाले समय में राज्य सरकार की पूरी परिपाटी बदल के रख सकते हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25-0 कर पाई। बाकी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के विफल होने पर, चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में माननीय श्री कमलनाथ की सरकार की विफलता का प्रमाण मिलने पर, बात करेंगे हर उस राज्य के बारे में जिससे उम्मीद कुछ और थी और चुनाव के नतीजे कुछ और आए। लेकिन तब तक इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या सोचते हैं ये हमें कॉमेंट करके बताइए। और हाँ, देखते रहिए theblunted.com, as blunt as it gets.